अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ जाहिद और मैं आज आपको बताऊंगा अल खान रेस्टोरेंट में डायनामिक प्रॉन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जंबो प्रॉन है 6 पीस, ये आप देख सकते हैं 6 पीस जंबो प्रॉन साफ किए हुए बिल्कुल। अभी हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस लगाएंगे। उसके बाद ये आ गया एग, एग थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। ये 1 पिंच तकरीबन रेड चिली ऐड करेंगे। वन पिंच सॉल्ट का ऐड करेंगे। वन पिंच वाइट पेपर ये ऐड करूंगा। ये गार्लिक का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। ये आ गया कॉर्नफ्लोर, ये 2 टेबलस्पून है, ये ऐड करूंगा इसमें। ये पोटैटो स्टार्च, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, ये ऐड करूंगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी मैं इसे मिक्स करने लगा हूँ। प्रॉन हमारे मैरिनेट हो चुके हैं, अभी मैं इसे फ्राई करूँगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी मैं इसे फ्राई करूंगा। अच्छा, ऑयल का जो फ्लेम है हमारा तकरीबन 180 तक होना चाहिए और आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है। प्रॉन हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी बाहर निकालूंगा इसे। प्रॉन रेडी होने के बाद अभी हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए ये हमारे पास स्वीट चिली है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, ये ऐड करूंगा इसमें। ये अमेरिकन गार्डन की मायो है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये ऐड करूंगा। ये हनी है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, ये ऐड करूंगा। ये सिराचा चिली है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, ये ऐड करूंगा। ये मायो गार्लिक है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ये ऐड करूंगा। ये 1 पिंच सॉल्ट की ऐड करूंगा इसमें। अभी इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अभी जो हमने प्रॉन फ्राई किए हैं ये अपनी सॉस में ऐड करूंगा। इसको हम मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह सॉस जो है ना हमारे प्रॉन के ऊपर लग जाए। प्रॉन हमारे रेडी हो चुके हैं।
करते हैं आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसे अपने घर पर बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको ये कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।